परीक्षा 2020 का परिणाम घोषित कर दिया है। इस बार यूपीएससी परीक्षा में 761 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। बिहार के कटिहार जिले के कदवा प्रखंड के कुम्हारी गांव के शुभम कुमार ने देश भर में टॉप किया है। कटिहार से एक रिपोर्ट। खुशी का पल है, इससे अधिक खुशी की बात कोई हो नहीं सकती है। सारा जीवन हमने उसके लिए सैक्रिफाइस किया, बच्चों के लिए सैक्रिफाइस किया, और एक सपना देखा था कि जिस ऊंचाई पर, जिस मुकाम पर हम नहीं पहुंच पाए, उसी दिन हमने संकल्प किया कि मैं अपने बच्चे को जरूर एक न एक दिन उस ऊंचाई पर पहुंचाऊंगा। अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी का इजहार करते हुए ये है सिविल सर्विसेज परीक्षा 2020 के टॉपर शुभम कुमार के पिता देवानंद सिंह। देवानंद सिंह कहते हैं कि बचपन से ही हमने जो चाहा, शुभम ने उस इच्छा को पूरा किया है। माँ पूनम सिंह कहती है कि शुभम बचपन से ही कहता था कि मैं एक दिन बड़ा ऑफिसर बनूंगा। बेटे ने आज उस संकल्प को पूरा कर दिया। माँ कहती हैं कि शुभम जिस मुकाम पर पहुंचा है, गांव का हर बच्चा उस मुकाम को पाए। वो छोटा ही था जब उसे हम लोग पूछते थे कि बेटा क्या करोगे, जब वो मतलब बहुत छोटा था, 3 साल का था, बोलने के लिए मतलब थोड़ा सा तुतला के बोलता था, तो वो बोलता था कि हम बहुत बड़ा अफसर बनेंगे। इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही थी, और पापा का भी सपना था और चाचा का भी सपना था। मैं यही सीख दूंगी कि तुम जैसे बने हो और गांव के भी जितने बच्चे हैं जो पढ़ने में तेज हैं, उनको शुभम के जैसा ही उसको शिक्षा मिले और आगे बढ़े। मुख्यमंत्री ने शुभम की इस शानदार सफलता पर ट्वीट करके उन्हें बधाई दी है और कहा कि शुभम ने न सिर्फ बिहार का मान बढ़ाया है बल्कि पूरे देश को भी गौरवान्वित किया है। इससे बिहार की युवाओं को और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। शुभम के अलावा जमुई के प्रवीण कुमार को 7वां, समस्तीपुर के सत्यम गांधी को 10वां, किशनगंज के अनिल कुमार को 45वां, पूर्णिया के अनिल मिश्र को 52वां, औरंगाबाद के अविनाश को 190वां, बेगूसराय के अनिल कुमार को 226वां रैंक और पटना के ओम प्रकाश गुप्ता को 339वां रैंक प्राप्त हुआ है। इस घर का एक युवा पूरे देश में टॉप किया है। दूरदर्शन समाचार के लिए कटिहार से कुमार मुकेश चौधरी।